हे गाइस, दिस इज दीपक धियानी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। तो आज हम देखेंगे कंप्यूटर में कितने टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं। तो हमारे जो नंबर सिस्टम होते हैं वो चार होते हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टेल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो देखते हैं वन बाई वन। तो जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम होता है इसका जो बेस होता है 10 होता है, और जो इसकी रेंज होती है 0 to 9, मतलब जो इसमें एलिमेंट आएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कंप्यूटर में कभी भी डेटा आपका 1 से स्टार्ट नहीं होता है, काउंटिंग 1 से स्टार्ट नहीं होती है, हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। अगर आपके इसमें 10 नंबर आने हैं तो 10 तो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं करेंगे 1 to 10, तो इसकी काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, 10 डिजिट हो गई है। ठीक है ना, तो अगला नंबर जो सिस्टम होता है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, इसका बेस होता है 2। ठीक, इसकी जो रेंज होगी 0 to 1, और जो एलिमेंट होंगे इसके अंदर 0, 1। ठीक है, तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि बाइनरी की रेंज क्या होती है, 0, 1, 0 to 1, और इसमें जो एलिमेंट होते हैं 0, 1, और इसका बेस 2 होता है। ये आपने ध्यान रखना है। अगला हमारा नंबर सिस्टम है ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसका बेस होता है 8, रेंज होती है आपकी 0 to 7, एलिमेंट होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। वही बात कि इसमें 8 एलिमेंट आएंगे बस, तो 0 से स्टार्ट होगा तो 7 पे एलिमेंट मेरे पूरे हो जाएंगे। ठीक, अगला आपका है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसका बेस होता है 16, रेंज होती है आपकी इसकी 0 to 15। ठीक, इसमें थोड़ी सा डिफरेंस है, 0 to 15 नंबर होंगे, बट 9 तक तो इंटीजर होंगे और 10 को ये लिखता है ए। ठीक, तो कैसे, तो देखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 को ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई, 15 को एफ। तो इसमें ये सिस्टम होता है, आप ए को 10 कहेंगे। ठीक है, अगर आपने कभी लिखना है तो 10 आप ए को बोलेंगे। ठीक, अब देखते हैं नंबर कन्वर्जन। ठीक, तो आइए नंबर कन्वर्जन में देखते हैं। फर्स्ट नंबर कन्वर्जन जो है हमारा डेसिमल टू बाइनरी। मुझे ये पता है डेसिमल का बेस 10 होता है, बाइनरी का 2 होता है। जब भी कभी आपको डेसिमल टू बाइनरी करना होता है तो आप उसको डिवाइड करेंगे। ठीक, डिवाइड कैसे करेंगे, ये आपने 43 लिया, ये आप रिमाइंडर वाला कॉलम रख दीजिए इधर। ठीक है, और 2 से डिवाइड करेंगे जो इसके सामने है। जब भी डेसिमल 2 कुछ होगा तो आप उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या बचा 1। यहाँ पर से 2 10 जा 20, रिमाइंडर बचा 1। 2 5 जा 10, रिमाइंडर बचा 0। 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचा 1। 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचा 0। अब देखिए 2 का 1 से डिवाइड नहीं होगा, ये डिजिट यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। और जो इसको काउंट करने का रूल होता है बॉटम टू टॉप होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ऊपर वाली को मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और ये नीचे वाले पार्ट को कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ LSB, और इसको कहते हैं MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जो आपकी काउंटिंग होगी LSB टू MSB होगी। ठीक, जो मैं अब लिखूँगा 1 0 1 0 1 1। तो आप कह सकते हैं 43 का जो बाइनरी होगा वो ये होगा 1 0 1 0 1 1। अब आपको ध्यान होगा बाइनरी में कौन से नंबर होते हैं, वन और ज़ीरो, तो यहाँ पर वन और ज़ीरो ही आने चाहिए। अगर आपका टू आ रहा है इट मीन्स आपका आंसर गलत है, बिकॉज बाइनरी का बेस क्या होता है टू, इसमें दो ही नंबर आ सकते हैं ज़ीरो और वन, तो इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था हर एक नंबर का बेस पता होना चाहिए आपको। ठीक, जो हमारा अगला कन्वर्जन है डेसिमल टू ऑक्टेल है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया हुआ था डेसिमल के आगे जो भी होता है वो उससे डिवाइड हो जाता है। ऑक्टेल का बेस 8 होता है, डेसिमल का 10 होता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यही वही जो पहले किया था अभी 2 6 6 8 यहाँ लिख दीजिए, ये आपका रिमाइंडर वाला कॉलम है। ठीक, तो देखते हैं पहले 26 पर करके देखते हैं। 8 3 जा 24, 2 बज गया है तो यहाँ पर 26 फिर से हो गया है। 8 3 जा 24, 2 बज गया है। ठीक, अब 8 का फिर से नंबर चेंज नहीं करना है, 8 से ही देना है, तो अब फिर से 4 जा 32 और आपका 1 रिमाइंडर बच गया है। अब इससे डिवाइड नहीं होगा तो 4 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा आपका। ठीक, काउंटिंग कैसे होगी, LSB टू MSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट टू मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो आप कह सकते हैं 266 का ऑक्टेल नंबर जो होगा 412 होगा। ठीक है ना, तो ये था हमारा कन्वर्जन। तो अगला कन्वर्जन है ऑक्टेल टू डेसिमल। ठीक है, इससे पहले देखा था डेसिमल टू ऑक्टेल, जब डेसिमल के सामने कोई भी होता था हम डिवाइड करते थे, अब ऑक्टेल टू डेसिमल है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो मल्टीप्लाई कहाँ से करेंगे, LSB से ही करते हैं। ठीक है ना, राइट टू लेफ्ट ही करते हैं। तो यहाँ पर 2 × 8 की पावर 0, क्योंकि कंप्यूटर में जो काउंटिंग होती है 0 से होती है। 7 × 8 की पावर 1, 3 × 8 की पावर 2। ठीक है ना, तो 8 की पावर 0 की वैल्यू 1 2 हो गया है। 8 1 जा 8 8 7 जा 56, 8 8 जा 64 64 3 जा 64 3 जा, ये देखो करके देख लेते हैं। 3 4 जा 12 1 18 19 192। ठीक है ना, तो ये कितना होता है, ऐड कर लेते हैं। 8 10 10 की 0 1 10 15, तो ये आ रहा है 250। 250 372 का डेसिमल। ठीक है ना, तो ये था हमारा ऑक्टेल टू डेसिमल। तो जो हमारा अगला नंबर सिस्टम है ऑक्टेल टू बाइनरी। ठीक, ऑक्टेल टू बाइनरी में क्या करना होता है, आपको हर एक ऑक्टेल डिजिट का 3 डिजिट का बाइनरी का पेयर बनाना होता है। ठीक है, जैसे 2 का कैसे बनेगा, आप 3 डिजिट ले लीजिए, 3 डिजिट बाइनरी ये ले लिया, इसका शॉर्टकट जो मेथड है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे 2 की पावर 0 होता है बाइनरी में, और 2 ये 2 की पावर 1 और ये 2 की पावर 2। ठीक है, 3 डिजिट के पेयर में अब मुझे 2 एक्टिवेट करना है। 2 तो यहाँ पर 2 ही तो है बस, तो आप क्या करेंगे 0 1 0, 3 डिजिट के बाइनरी के पेयर में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपका 7 है, 7 कैसे होगा, ये 3 0 बना लीजिए, यहाँ पर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। ठीक, तो 2 की पावर 0 की वैल्यू 1, 2 की पावर 1 की वैल्यू 2, 2 की पावर 2 की वैल्यू 4। अगर मैं इनको ऐड करूँगा तो 7, तो मुझे क्या करना होगा 3 टाइम 1 लिखना होगा 7 के लिए, 3 डिजिट बाइनरी इक्विवेलेंट बनाने के लिए। अगर मुझे 4 करना है तो 4 कहाँ पर एक्टिवेट होगा, इस वाले पार्ट पे, तो 1 0 0। ठीक, जो आपका आंसर बनेगा ऑक्टेल टू बाइनरी 1 00 1 1 1 0 1 0, ये आपका ऑक्टेल टू बाइनरी आ गया है। अब हमारा क्या है, बाइनरी टू ऑक्टेल। तो ऑक्टेल में कितने के इक्विवेलेंट पेयर बनते हैं बाइनरी के, 3 के बनते हैं। तो अब मैं आपको कोई बाइनरी नंबर देता हूँ 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1, एक और ले लीजिए। ठीक, तो ये बाइनरी टू ऑक्टेल। ठीक है, जब भी हम इसका पेयर बनाते हैं लेफ्ट से बनाएंगे, 3 के पेयर बनाने हैं बिकॉज ऑक्टेल नंबर है, 3 के पेयर। ये कितना होगा, 2 की पावर 0 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है वन, 2 की पावर 1 की वैल्यू 2, तो कितना हो गया 3। अब ये देखेंगे यहाँ पर 2 की पावर 0 में तो 0 ही है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, तो ये वैल्यू कितना होगा 6 होगा। अब तीसरा पेयर 2 की पावर 0 एक्टिवेट है बस यहाँ पर, यही तो 1 है, 1 का मतलब ट्रू, 0 का मतलब फॉल्स, तो 2 की पावर 0 है तो 1 होगा। अब देखिए यहाँ पर लास्ट डिजिट बची है 1, पेयर नहीं बन सकता है, तो हम क्या करेंगे 2 0 यहाँ पर बढ़ा लेंगे, ठीक। तो 2 की पावर 0 एक्टिवेट है या वही 1 है, तो ये 1 हो गया, ठीक। जो इसका ऑक्टल बनेगा 1163, ये इसका आंसर हो गया, ठीक। ये है ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल। तो हमने ये ध्यान में रखना है, जब भी ऑक्टल के हम इक्विवेलेंट बनाते हैं बाइनरी में 3 डिजिट के बनाते हैं। तो अब हमारा अगला कन्वर्जन है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर डेसिमल से किसी में भी कन्वर्ट करना है आपको, तो आप क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक। जो सामने वाला नंबर है 4 2 3 16 से डिवाइड करेंगे, ये रिमाइंडर वाला कॉलम है, तो 42 में 16 का 2 टाइम होगा, तो 2 टाइम 32, और यहाँ से कितना बच गया 10, 103 हो गया। अब 103 का 6 16 6 जा 96, अब बच कितना गया 7, ठीक है ना। अब इसमें से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, ठीक है ना। बचेगा कितना 10, तो 10 को क्या लिखते हैं ए लिखेंगे। और अब क्या बच गया 16 का 1 से डिवाइड नहीं होगा, ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। काउंटिंग जो होगी आपकी बॉटम टू टॉप भी कह सकते हैं, या LSB टू MSB, ठीक है ना। तो अब आप इसके इसे लिखेंगे 1A7, ठीक। तो ये डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में आप ऐसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक। तो आइए अपना अगला कन्वर्जन देखते हैं। अगला कन्वर्जन है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। जब हेक्साडेसिमल टू डेसिमल करना होता है, तो आप क्या करेंगे हेक्साडेसिमल से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे, और जो मल्टीप्लाई करेंगे ना LSB से ही करेंगे। यहाँ ये भी ऐसे चलता है, ये आगे वाला पार्ट MSB है और पीछे LSB है। जो काउंटिंग होती है हमारी यहाँ भी राइट टू लेफ्ट होती है। तो देखते हैं ये कैसे होगा, 3 × 16 की पावर 0, 1 × 16 की पावर 1, 2 × 16 की पावर 2, ठीक है। कैलकुलेट करके देखते हैं, 16 की पावर 0 1, 1 × 3 3 हो गया, 16 की पावर 1 16 × 1 16, 16 का स्क्वायर 256, 256 × 2 512, 512, और इसको ऐड कर लीजिए, 6 3 9 और 2 11, 11 की 1 2 1 3 5, 531, 531। ये आपका डेसिमल आ गया, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आइए अपने अगले कन्वर्जन पर आते हैं। अब है आपका हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अगर आपको हेक्साडेसिमल टू बाइनरी करना होता है, तो आप 4 बिट के बाइनरी इक्विवेलेंट पेयर बनाते हैं, ठीक है। 4 बिट के, ऑक्टल में 3 बिट का था और यहाँ हेक्साडेसिमल में 4 बिट का। तो कैसे बनेगा, आप देखिए क्या करना है, टेक्निक क्या है, आप 4 0 ले लीजिए, 4 बिट का इक्विवेलेंट हो गया बाइनरी का, ठीक। अब ये कौन सा होता है 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ठीक। तो 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, 2 की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है 2, 2 की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है 4, 2 की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है 8, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 को लिखना है, बाइनरी में 2 को लिखना है, 4 डिजिट के इक्विवेलेंट में लिखना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपका 2 एक्टिवेट, इस जगह पर 2 एक्टिवेट हो रहा है, तो आप लिखिए 0010, ठीक है ना। अब आपने ए लिखना है, ए का आपको वैल्यू पता है हेक्साडेसिमल में 10 होती है, तो 10 कैसे बनेगा 8 और 2 10, ठीक। एक तो स्टार्टिंग में 1010, ठीक है ना, ये हो गया। और अब क्या है आपका 9, 9 कैसे बनेगा, 8 यहाँ पर होगा, 0 0 1, ठीक है ना। तो ये 2 की पावर 0 1 हो गया। यहाँ पर 2 की पावर 1 ये भी नहीं चाहिए, 2 की पावर 2 भी नहीं चाहिए, 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 0 के कॉम्बिनेशन से तो मेरा 9 जा रहा है, ठीक है। तो तब ये मैंने ऐसे पेयर बनाए। तो ये जो आपका होगा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी बन गया है, ठीक। अब अगला कन्वर्जन है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो सेम यहाँ भी वही होगा कि आप कितने के बनाएंगे पेयर, 4 डिजिट के, और कहाँ से, LSB से या राइट से बनाएंगे। तो राइट से 4 डिजिट के पेयर बनाता हूँ मैं, ये, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 2 की पावर 0 0 ही है, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, तो ये कितना बनेगा, 2 की पावर 3 एक्टिवेट है एक, और एक 2 की पावर 1 एक्टिवेट है, तो 10 बन गया है। 10 को मैं क्या लिखता हूँ, A, ठीक। अब यहाँ देखते हैं 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 एक्टिवेट नहीं है, 2 की पावर 3 एक्टिवेट है, तो ये बनेगा 8 8 2 10 और 1 11, तो ये लिखेंगे हम B, बिकॉज हेक्साडेसिमल में चाहिए। अब यहाँ देखेंगे 2 की पावर 0 एक्टिवेट नहीं है, 2 की पावर 1 एक्टिवेट है, 2 की पावर 1 एक्टिवेट है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2। तो जो ये आंसर होगा 2 B A, ये आपका हेक्साडेसिमल में आ गया है। तो ये थे आपके नंबर सिस्टम और कन्वर्जन। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जो हमारी इसकी एक्सरसाइज की वीडियो होगी।